हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 8 के विषय कंप्यूटर साइंस से लेसन 5 नोटपैड प्रोग्राम को लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन है नोटपैड प्रोग्राम। विंडोज़ में नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम टेक्स्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। नोटपैड में कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, पत्र आदि फाइल के रूप में तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए नोटपैड टेक्स्ट एडिटर भी कहलाता है। नोटपैड का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोटपैड में एक बार में एक ही फाइल खोली जा सकती है। टेक्स्ट फाइल में एक पंक्ति में अधिकतम 1024 कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। एक पंक्ति टाइप करने के बाद एंटर कुंजी दबाकर अगली पंक्ति में टाइपिंग कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर की प्रेस करते हैं। नोटपैड प्रोग्राम को प्रारंभ करना। नोटपैड विंडोज़ में एक प्रोग्राम है, अतः नोटपैड को प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट मेन्यू के प्रोग्राम्स मेन्यू पर क्लिक करते हैं। प्रोग्राम्स मेन्यू के एक्सेसरीज प्रोग्राम ग्रुप में नोटपैड प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, जिससे नोटपैड प्रोग्राम की विंडो ओपन हो जाती है। नोटपैड विंडो के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ नोटपैड विंडो। नोटपैड प्रोग्राम की विंडो एक सामान्य विंडो होती है। इसमें सबसे ऊपर लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है वह कंट्रोल मेन्यू कहलाता है। राइट तरफ कॉर्नर में कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के। सबसे ऊपर की जो पट्टी है ऑरेंज कलर से प्रदर्शित हो रही है वह टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार के जस्ट नीचे की जो पट्टी है ग्रे कलर से दिखाई दे रही है वह मेन्यू बार कहलाती है। राइट तरफ एक वर्टिकल पट्टी दी हुई है ग्रे कलर की, वह स्क्रॉल बार कहलाती है। लेफ्ट की साइड एक आई की आकृति बनी हुई है, वह आई बीम कहलाती है। इसके अतिरिक्त जो वाइट एरिया दिख रहा है खाली, वह टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। यह नोटपैड की विंडो के अवयव हैं। नोटपैड की प्रोग्राम विंडो का आंतरिक भाग टेक्स्ट भाग कहलाता है। टेक्स्ट क्षेत्र में कीबोर्ड द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को फाइल के रूप में सेव किया जाता है। टेक्स्ट क्षेत्र में माउस पॉइंटर आई जैसी आकृति का होता है, जिसे आई बीम कहते हैं। इसके निम्न अवयव हैं। सबसे पहला है टाइटल बार। यह प्रोग्राम तथा टेक्स्ट फाइल का नाम प्रदर्शित करता है। यह विंडो के सबसे ऊपर की पट्टी का होती है। दूसरा है कंट्रोल मेन्यू। इसमें प्रोग्राम विंडो के नियंत्रण के निर्देश होते हैं। इसमें रीस्टोर, मूव, साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज व क्लोज आदि मेन्यूज होते हैं। तीसरा है कंट्रोल बटन। यह बटन टाइटल बार में दाईं तरफ ऊपर की ओर होते हैं। राइट साइड ऊपर के कॉर्नर में ये तीन बटन दिए रहते हैं, जिन्हें कंट्रोल बटन कहा जाता है। इनके नाम हैं, सबसे पहला है मिनिमाइज, दूसरा है रीस्टोर या मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। आगे बढ़ते हैं। मेन्यू बार। इसमें फाइल, एडिट, सर्च तथा हेल्प आदि मेन्यूज प्रदर्शित होते हैं। यह टाइटल बार से जस्ट नीचे की पट्टी होती है। पांचवा है आई बीम। यह नोटपैड के मेन्यू बार के नीचे के क्षेत्र में स्थित होता है। यह एक माउस पॉइंटर है। जब तक माउस पॉइंटर आई बीम की आकृति में रहता है, तब तक हम कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। छठवा है स्क्रॉल बार। यह नोटपैड प्रोग्राम विंडो को दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे गति कराने, यानी स्क्रॉल कराने के लिए होता है। सातवां है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट क्षेत्र। यह नोटपैड विंडो का आंतरिक भाग होता है। टेक्स्ट क्षेत्र में हम कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगला है टेक्स्ट को चुनना, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। नोटपैड प्रोग्राम विंडो के टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उसे चुनना या सिलेक्ट करना आवश्यक है। टेक्स्ट को चुनने की दो विधियाँ हैं। सबसे पहला है माउस द्वारा टेक्स्ट को चुनना। माउस पॉइंटर से टेक्स्ट के फर्स्ट कैरेक्टर पर स्थित करते हैं, यानी माउस के पॉइंटर को, कर्सर को पहले कैरेक्टर पर लेकर आते हैं। माउस पॉइंटर के टेक्स्ट के अंत तक बायां बटन दबाकर ड्रैग करते हैं।
लेफ्ट क्लिक दबा करके उसको खींचते हैं यानी ड्रैग करते हैं, जिससे चुना हुआ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। दूसरा माध्यम है इसका कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट को चुनना। इसमें कीबोर्ड की एरो कुंजियाँ, एरो की दी रहती हैं कीबोर्ड में चार, लेफ्ट राइट और अप और डाउन, चार एरो की रहती हैं जिनके द्वारा टेक्स्ट को चुना जाता है। कर्सर को टेक्स्ट के सबसे पहले कैरेक्टर पर रखते हैं। शिफ्ट की के साथ दाईं तरफ की यानी राइट साइड की को प्रेस करते हुए टेक्स्ट को अंत तक सिलेक्ट कर देते हैं, जिससे सारा टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन जो भी है वो हाईलाइट हो जाती है। नोटपैड प्रोग्राम के मेन्यूज़। नोटपैड प्रोग्राम में निम्न मेन्यू होते हैं। पहला है फाइल मेन्यू। यह नोटपैड प्रोग्राम में तैयार अथवा खुली हुई फाइल पर क्रियान्वित किए जाने वाले फाइल निर्देशों की सूची प्रस्तुत करता है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? सबसे पहला है न्यू, यह नई फाइल तैयार करने के लिए ऑप्शन होता है। दूसरा है ओपन, इस निर्देश से पहले से बनी हुई फाइल को खोला जा सकता है। जो पहले से बना करके सेव की हुई हैं उन फाइलों को खोलने के लिए इस निर्देश का यूज़ किया जाता है। तीसरा है सेव, यह निर्देश नोटपैड में तैयार की गई फाइल को स्थायी रूप से डिस्क पर संग्रहित करने के लिए होता है। सेव एज निर्देश द्वारा फाइल को नए फाइल नेम के साथ सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप, इस निर्देश के द्वारा हम पृष्ठ का आकार एवं मार्जिन जैसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आदि निर्धारित कर सकते हैं। पृष्ठ का ओरिएंटेशन भी निर्धारित किया जा सकता है। ओरिएंटेशन मतलब पृष्ठ की स्थिति, पेज की स्थिति, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगला है प्रिंट, यह निर्देश नोटपैड में तैयार की गई फाइल को प्रिंटर के द्वारा कागज पर प्रिंट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। छठवा है एग्जिट, नोटपैड से बाहर आने तथा फाइल को क्लोज करने के लिए इस निर्देश का उपयोग करते हैं। यह फाइल मेन्यूज़ के सबसे निचला निर्देश है, सबसे लास्ट वाला निर्देश है एग्जिट। नेक्स्ट मेन्यू है हमारा एडिट मेन्यू। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं चित्र में, इनके बारे में जानते हैं। पहला है अंडू, इस निर्देश द्वारा खुली हुई फाइल के टेक्स्ट पर दिए गए अंतिम निर्देश को निरस्त किया जा सकता है। दूसरा है कट, इस निर्देश के द्वारा चुने हुए टेक्स्ट को एक स्थान से कहीं अन्यत्र स्थान स्थानांतरित करने या मूव करने के लिए क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं कट के माध्यम से। कॉपी, इस निर्देश द्वारा चुने हुए टेक्स्ट को किसी अन्य स्थान में प्रतिलिपि या कॉपी के माध्यम से तैयार करने के लिए क्लिपबोर्ड में स्थित कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पेस्ट, यह निर्देश टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से कर्सर की स्थिति पर लाकर देता है। पांचवा है डिलीट, यह निर्देश फाइल के चुने हुए टेक्स्ट को हटाता है या फिर मिटाता है। सिक्स्थ है सिलेक्ट ऑल, इस निर्देश के द्वारा फाइल के समस्त टेक्स्ट को एक साथ चुना जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। सातवां है टाइम और डेट, इस निर्देश के द्वारा फाइल में कंप्यूटर सिस्टम के वर्तमान समय एवं दिनांक दिए जा सकते हैं। वर्ड रैप, इस निर्देश के ऑन रहने की स्थिति में टाइप करते समय टेक्स्ट की लाइन पूरी होने पर अगला टेक्स्ट स्वतः अगली लाइन में टाइप होने लगता है। इसे अगली पंक्ति पर जाने के लिए एंटर कुंजी दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब लाइन पूरी होने पर टेक्स्ट स्वतः अगली पंक्ति में टाइप होने लगता है तो यही प्रक्रिया वर्ड रैप कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा सर्च मेन्यू। सर्च मेन्यू में दो ऑप्शन होते हैं, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। यह निर्देश फाइल में किसी शब्द अथवा टेक्स्ट को खोजने के लिए होता है। फाइंड नेक्स्ट, यह पिछले खोजे गए शब्द अथवा टेक्स्ट को फाइल के शेष बचे टेक्स्ट में आगे खोजता है। स्मरणीय बिंदु, नोटपैड विंडोज़ में साधारण टेक्स्ट फाइल तैयार करने के लिए एक टेक्स्ट एडिट के रूप में प्रोग्राम है, टेक्स्ट एडिटर के रूप में है। दूसरा, नोटपैड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। तीसरा, नोटपैड प्रोग्राम एक्सेसरीज प्रोग्राम ग्रुप का सदस्य है। चौथा, वर्ड रैप क्रिया में
पंक्ति या लाइन पूर्ण होने पर टेक्स्ट स्वतः अगली लाइन में टाइप होने लगता है। पांचवा, कॉपी निर्देश द्वारा चुने गए टेक्स्ट की प्रतिलिपि यानी कॉपी किसी अन्य स्थान पर स्थापित की जा सकती है। छठवा, पेज सेटअप निर्देश द्वारा फाइल के पृष्ठ का प्रारूप निर्धारित किया जाता है, पेज का प्रारूप निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।